ऑन एक्शन। अब जो तू अपनी तकदीर से मिल ही चुका है तो अब शुरू होगी अली बाबा और 40 चोरों की ये दास्तान। आपने तो बच्चों की नींदें उड़ा दी। जैसा कि सबको इंतजार था, मरियम यतीम खाने आ चुकी हैं और नाउ शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब लाइफ में करना क्या है। एंड अली इज ट्राइंग टू बॉस हर अराउंड। वो बोल रहा है कि अब सुनो, मेरे हिसाब से काम होगा, तुम मेरे इलाके में हो, ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, ये मेरा घर है, ये होटल नहीं है। मरियम जो है वो सुनने को तैयार नहीं होती क्योंकि अली की बातों को कभी मानेंगी नहीं। तो हमेशा की तरह बच्चों के सामने भी अली मरियम भिड़ रहे हैं, उनका बैंटर चल रहा है। एंड उसी बीच में नूरा दादी आती हैं, तो मरियम के लिए तो ऑब्वियसली वो पहली बार मिल रही हैं, तो मरियम इज लाइक थोड़ा सा शॉक की लाइक हाउ डज शी नो, लाइक उनको नहीं पता दादी जो है भविष्यवाणियां करती हैं, उनको नहीं पता दादी, तो वो इतने एकदम से इतनी सारी चीज़ें कैसे बोल गई, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं। ऐसे में उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी 40 चोरों का मुकाबला करेगा अली तू। अब ये सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं कहा बस अब यही सुनना बाकी था बस। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल तो हमारा ये सीन चल रहा है थोड़ा शॉक में कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम भी ऐसे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, बस दादी बोल के चली गई। और अली भी अभी बच्चों के साथ घर पे वापस आया, तो सारे बच्चे छूट चुके, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अब बच्चे अपने अपने घर पे हैं? बच्चे अब फाइनली वापस अपने घर आ गए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, अभी हम भी बहुत खुश हैं। बच्चे साथ में मेहमान लेकर आए हैं, एक नया मेहमान घर में आया है, छठा सदस्य, जिसको अब हमारा टास्क है कि छुपा कर रखना है घर के अंदर। तो कैसे हम इनको छुपा कर रख पाते हैं, कब तक कामयाब हो पाते हैं, क्या कासिम नाज़िर को पता चल पाएगा, जानने के लिए आप देखिए अली बाबा दास्तान है काबुल मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन सोनी सब 8 बजे। ये मर्जीना नहीं है। ये तेरी बल्कि ये तेरी तकदीर है अली। फिक्र मत कर मेरे बच्चे, फिक्र मत कर मेरे बच्चे। क्या है अब जब तो अपनी तकदीर से मिल ही गया है तो अब शुरू होगी अली बाबा और 40 चोर की दास्तान। तभी यहाँ तक कुछ फिक्र मत कर मेरे बच्चे, अब जब तू अपनी तकदीर से मिल ही लिया है तो अब शुरू होगी अली बाबा और 40 चोरों की ये दास्तान।